सो वेलकम बैक टू जॉइंट। आज मैं लेके आया हूँ आईफोन, बट इसका ऑलरेडी अनबॉक्सिंग की शोर तो देख ही ली होगी, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें दोबारा से इसे खोल के बताता हूँ। और आप देख रहे होंगे पीछे आपको आईफोन 13 प्रो लग रहा होगा, लेकिन आईफोन 13 प्रो नहीं है वो, एक्चुअल में इसका आईफोन 13 का ही कवर मंगाया है केस। तो आपको बता दूँ 1500 का पड़ा है ऑनलाइन मुझे, तो फिर से इसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हो तुम, तुम्हारे लिए स्पेशली कुछ भी, लेकिन आपको पता ही ऑलरेडी बूट कर रखा है हमने, तो जल्दी से इसका केस चढ़ा देते हैं, तो मिलते हैं वैसे। तो पहले तो तुम्हें इसका केस ही दिखा देता हूँ कि इसमें कैसा केस है। बाहर बेशक आईफोन 13 प्रो बना हुआ है, लेकिन अंदर से ही आईफोन 13 वाला ही है, लेकिन काफ़ी प्रीमियम एक लुक, लेकिन 1500 भी दिए इसका, तो तुम देख लेना काफ़ी एक्सपेंसिव केस है ये। अंदर से ऐसा कुछ, बट अंदर कोई भी कोटिंग वगैरह नहीं है सेफ्टी के लिए, स्टिक प्लास्टिक सा ही है। तो इसको लगाता हूँ एक से, तो आप देख सकते हो इसकी फिटिंग कैसी है, प्रॉपर ही फिटिंग है इसकी आईफोन पे। नाइस। तो इसके पीछे भी आपको छोटे छोटे से स्टिकर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, हाँ तो देख सकते हो इनको निकालना है। तो भी पीछे से काफी अच्छा एक फिनिश आ रहा है, कुछ सच बोलो फिट टू फिनिश काफी अच्छा इस केस का। wow. कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा या बड़ा सा हैवी सा केस नहीं लग रहा, काफी प्रीमियम सा केस लग रहा है। तो आप देख सकते हो इसकी लुक कैसी। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो मैं तुम्हें इसके थोड़े मतलब स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूँ कि आईफोन 13 जो था लॉन्च सितंबर 2021 में होता है, इसका स्क्रीन साइज जो है 6.1 इंच का, और इसमें 15 बायोनिक चिप देखने को मिलती है, जो कि आपको सेम A15 आईफोन 14 में भी देखने को मिलती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको फर्क दिखता है उसके कोर प्रोसेसर में। और इसमें आपको स्टोरेज वेरियंट जो 128 GB से स्टार्ट होता है और 1 TB तक जाता है। इसकी बैटरी जो है वो 3240 mAh की है, मतलब 3240 mAh की बैटरी, और ये 5G फोन है। आपको पता है आईफोन 12 भी 5G था, तो ये तो 5G हो गई, ऑब्वियसली इंडिया में 5G भी आने वाला है। चुप कर बे कुत्ते। और ये आपको पता है इसमें 4GB रैम देखने को मिलती है, और डिस्प्ले में रेटिना ओलेड देखने को मिलता है, और दोनों कैमरा जो फ्रंट और बैक आपको 12 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपको आईफोन 13 और आईफोन 11 का कंपैरिजन देखना है, तो बड़ी जल्दी वो भी आने वाला चैनल। और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे पे ये हमें 50,000 का मिला था, और अभी इसका प्राइस हो चुका है दोबारा से 59,000। ओह माय गॉड। तो काफ़ी अच्छी डील मिलती है, और विदाउट कोई भी बैंक के कैशबैक पे, हमें ICICI और एक्सिस बैंक वगैरह के कोई भी कैशबैक नहीं मिला था, हमने HDFC से ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो काफ़ी अच्छे प्राइस मिल गए 50,000 के। अब आपको मैं इसमें बेंचमार्क स्कोर भी दिखा देता हूँ कि इसका क्या क्या आने वाला है, मतलब आ चुका मैं ऑलरेडी से कर चुका हूँ। सो वेलकम बैक टेक्नो जॉयस टू माय चैनल।